झंडा नीचे गिरते ही सस्पेंड, यदि झंडा बांधते वक्त जमीन को टच कर गया और इसका आपका वीडियो वायरल हो गया तो वो व्यक्ति ध्यान रखना, झंडा नीचे जमीन को टच नहीं करना चाहिए। ये विशेष तौर पर झंडे की तीन पट्टी होती है, सबसे पहले ऊपर केसरिया, फिर बीच में और नीचे हरा। सबसे पहले आपको कौन सी पट्टी पकड़नी है? नीचे ग्रीन वाली, और जहाँ ग्रीन शुरू और खत्म हो रही है वहां से पकड़ा और केवल उसको फोल्ड किया, ठीक है। फिर व्हाइट पट्टी को पकड़ना है, जहाँ से शुरू और खत्म हो रही है उस व्हाइट पट्टी को पकड़ा, फोल्ड किया। फिर कौन सी पट्टी? ऊपर जो है केसरिया, उसको पकड़ा और फोल्ड किया। अब ये बन गया है गैस, आपको जो भी फूल वगैरह डालने हैं इसके अंदर आपको डाल दीजिए। फिर एक व्यक्ति वहाँ से इसको टाइट पकड़ेगा, दूसरा केवल टाइट पकड़ेगा, दूसरा तीसरी फोल्ड होती है, स्लिप फोल्ड कहते हैं इसको, ठीक है, टाइटनेस स्लिप फोल्ड कहते हैं इसको, टाइट पकड़ रखो स्लिप फोल्ड कहते हैं, ठीक है। और झंडे के अंदर हमेशा लगती है उल्टी गांठ, तीन प्रकार की गांठ होती है, एंजियोलॉजी में हम लोग पढ़ाते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर बनती है उल्टी गांठ और ये आपने लगा दी, ऐसे नहीं लगानी है, उल्टी लगानी है और इसी को इसके अंदर से खींच कर डाल देनी है, इसको ऊपर टंगा देना है, जैसे ही इसको खींचोगे बजा ताली। नहीं नहीं वो बांधना ही नहीं है, उसी में फिजिकल टीचर सस्पेंड होता है यदि आपको ये फोल्ड कोई अटकती है, इसलिए हमेशा इस पद्धति का आपको क्या करना है, पालन करना है। थैंक यू मैम। देखिए धन्यवाद।